एवरीवन, स्वागत है आप सभी कान अकेडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप सारे के सारे बच्चे आ जाइए, मैं फटाफट से आप लोगों की क्लास अपने फोन में चला लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल अच्छे से और नॉट? आ जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। थोड़े बाल बाल ठीक कर लेते, बच्चे आ रहे हैं। चलिए आजिए। सो यार, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आई विल जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स, तब तक हमारे सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू कर लेंगे। आ जाओ, आप लोगों के बिना थोड़ी ना क्लास शुरू करी जा सकती जब हमारे बच्चे गायब होंगे। तो आइए आप लोग जल्दी से, मैं इतने एक दो एडजस्टमेंट्स कर देती हूँ ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको विजिबिलिटी में वो ना आए। आ जाओ। आर यू ऑल ऑफ यू? हाय कुंदन, गुड इवनिंग। आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा, हाउ आर यू? आप कैसे हो? कैसा था स्कूल? अच्छा यार, तुम लोगों की सैटरडे संडे की सबकी छुट्टी रहे? चलो ठीक है, पहले एक बार ही आ जाओ फिर तो। साकिब फिर जब अन अकेडमी पर मिल रहे हैं तो अन अकेडमी पे पढ़ो। अन अकेडमी पे जब मैं लाइव आ रही हूँ तो अन अकेडमी पे पढ़ना बेटा। चलिए है भाई साकिब, क्या दिक्कत है? यहाँ नहीं अच्छा पढ़ा रही मैं? हाँ पढ़ा रही हूँ, बढ़िया से पढ़ो। और लाइव के तो मौज ही मौज है, लाइव की तो फायदे ही फायदे हैं, है ना? चलिए आ जाइए जल्दी से सब, देन वी विल बिगिन। बाकी इतने जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, यार कुंदन ये चैप्टर काफी लंबा है तो इसमें टाइम लगेगा। आज मैं बताती हूँ, देखो आज हम आइसोमर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, तब जाके कहीं ये चैप्टर खत्म होगा आपका। एंड देन एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अपने आप में ही काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैं आप लोगों को इस हिसाब से पढ़ाऊंगी कि जो बच्चे 11th क्लास में साइंस एज अ सब्जेक्ट चूज करेंगे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब मैं 10th से 11th में गई थी, क्योंकि 10th में मुझे ठीक से पढ़ाया नहीं था। ठीक है, हाय सुजय, गुड इवनिंग। हाय हर्ष, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। यस, फंक्शनल ग्रुप भी करना है, साकिब ने बहुत सही याद दिलाया। फंक्शनल ग्रुप भी करना है, फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें IUPAC नेमिंग भी करनी है, फिर उसमें हमें वापस से आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो ऑल इन ऑल बहुत कुछ है अभी इस चैप्टर में, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा है ना, तुम लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर तो रिमूव कर दिया, तो हम आराम से अपना पूरा समय लेके, पूरा टाइम देकर इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, डन है? क्या बोर हो गए किस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते? परेशानी हो रही है? नहीं मैम, बहुत बोरिंग चैप्टर है, हमें नहीं अच्छा लग रहा। ऐसा कुछ है क्या? या मजे आ रहे हैं? आज की क्लास बहुत ज्यादा फन होने वाली है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। ऐसे पढ़ेंगे कि आइसोमर्स आप लोगों को इतना चमक जाएंगे कि 11th में जब GOC आएगी तुम्हारी, तुरंत से जवाब दोगे तुम मुझे। ठीक है, ठीक है कुंदन, मैं 5th वाला चैप्टर भी करवा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं हमारी क्लास में, मैं 5th वाला चैप्टर भी करा दूंगी। तो पहले CBSE वालों का निपटवा देते हैं, देन वी विल डू द 5th चैप्टर। 5th चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। चार पांच चीजें आपको याद रखनी है, पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज द मोस्ट टफेस्ट एंड लेंथीएस्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का। ठीक है, हाँ तो साकिब बस ठीक है फिर, अच्छी बात है, अच्छी जगह पर डिपेंड हो रहे हो फिर आप। यू कैन काउंट ऑन मी, एक गाना है ब्रूनो मार्स का, यू कैन काउंट ऑन मी लाइक 1 2 3। ठीक है, सो उसी तरीके से यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन डिपेंड ऑन मी, इट्स ओके। चलिए तो करें फिर आज की क्लास की शुरुआत। ऑलमोस्ट हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, 5 मिनट हो गई है हमें बतियाते हुए, तो जल्दी से बिना किसी भी देरी के करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, उस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स समझनी होगी, तो मैं आप लोगों को वो टर्म्स करवाऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले एक बारी फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का एजेंडा क्या है? आज हम लोग बेटा खत्म करेंगे हमारे आइसोमेरिज्म को और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि अच्छा आइसोमेरिज्म के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हाय साफिक,
ठीक है, सो एक बारी मतलब पता चलेगा ना तुम्हें आज क्या क्या निपटवाना है, अपने को आइसोमेरिज्म करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो आगे चलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा क्विज। अब मैं हर एक क्लास से पहले क्विज लेके आया करूंगी, सो दैट लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा है आप लोगों को वो अच्छे से याद हो, उसकी रिविजन बढ़िया से हो रखी हो। ठीक है, सो लेट्स लुक एट आवर क्वेश्चन नंबर वन। ये है आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन। एक कंपाउंड है बेटा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H16। अच्छा, मेरी आवाज बहुत ज्यादा धीरे तो नहीं आ रही है? मेरी आवाज बहुत ज्यादा धीरे तो नहीं आ रही है ना? आवाज ठीक है ना? C7H16। अब इसमें क्या होंगे, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे या एक डबल बॉन्ड भी होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, या फिर नन ऑफ दीज? व्हाट डू यू थिंक? सी सही है। साफिक एक बार ही देख, C7H16 क्या है? ये एक एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? पहले आप ये देखिए कि मैम C7H16 किस तरह का कंपाउंड है। इज इट एन एल्केन, इज इट एन एल्कीन और इज इट अ एल्काइन? वेरी गुड, स्टडी लवर ने जवाब दिया है एन होगा। तुम्हें क्या लगा था कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे व्हाट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, या फिर एक काम करो मीथेन का फॉर्मूला ड्रॉ करो, मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जनरल फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था उस जनरल फॉर्मूला की नॉलेज को इसमें आपको अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन देखते ही सबसे पहली चीज तुमने क्या देखी कि भाई जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के दुगने से दो ज्यादा है। हाइड्रोजन इज कार्बन के दुगने से दो ज्यादा, एंड दुगने से दो ज्यादा किस में होता है? एल्केन्स में। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है। एंड मैम एल्केन्स में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली। आ गया समझ में? मतलब अपने नाम को स्टडी लवर रखो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे है भाई। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले आगे, लेट्स लुक एट आर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब आपके पास यहाँ पर चार कंपाउंड्स हैं, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन एंड क्लोरोप्रोपेन। तो अब आप मुझे बताइए इनमें से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं याद करो, फिर उन बेसिस पर बताइए आपका सही आंसर क्या है। लैग कर रही है, ऑडियो लैग कर रही है, वीडियो लैग कर रही है? 2-3 सेकंड का तो होगा, मतलब 2-3 भी नहीं, 5 से 10 सेकंड का तो लैग आएगा बेटा यूट्यूब में, और मतलब मैं जो बोल रही हूँ और यूट्यूब जो तुम्हारे पास आएगी उसमें। सेकंड एंड थर्ड बाकियों को क्या लगता है? मिथाइल में बताऊंगी सुजन, मिथाइल अभी बताती हूँ, 5 मिनट का टाइम दो। साकिब कह रही है डी, स्टडी लवर भी कह रही है डी, कुंदन आप जवाब दो, साफिक आप भी जवाब दो बेटा, क्या होगा जल्दी से जवाब दो, क्या होगा इसका जल्दी से? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा हमारे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जिनमें आपका डबल बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले सब्सटेंस कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, अब प्रोपेन, एन यानी कि ये एक एल्केन है, एल्केन में तो हर जगह सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, ये नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर, अलग है आपका ईन, ईन में होते हैं आपके डबल बॉन्ड, तो ये आपका अनसैचुरेटेड है। आइन माने एल्काइन, एल्काइन में होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी आपका अनसैचुरेटेड है, तो यानी कि सेकेंड और थर्ड आपके अनसैचुरेटेड होंगे, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये क्लोरोप्रोपेन क्या होता है? क्लोरोप्रोपेन कुछ नहीं होता है। अभी यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा मैम मिथाइल क्या होता है, मैं समझाती हूँ। देखो मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। ठीक है, दिस इज योर मीथेन। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, इसके पास चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? CH3। तो ये मीथेन से अब मिथाइल बन गया है। पहले ये एक एल्केन था, अब ये एक एल्काइल ग्रुप बन गया है। तो मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या होते हैं? इनमें से
जैसे ब्यूटाइल क्या होगा कि ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो ब्यूटाइल बन जाएगा, तो एल्केन्स में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं वो एल्काइल बन जाते हैं। आया समझ में एल्काइल क्या होते हैं? साकिब होमोलोग सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जो लास्ट लेक्चर है ना मेरा वो देख लीजिएगा डे बिफोर येस्टरडे का, उसमें हमने होमोलोग सीरीज ही पढ़ी है। ठीक है, सो दिस इज योर मीथेन से मिथाइल तक का सफर। अब देखो कार्बन जो है वो चार बॉन्ड्स बना सकती है, यहां पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिर्फ तीन बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी कि कार्बन अभी एक और बॉन्ड बना सकती है। तो क्लोरो प्रोपेन में क्या होता है, कार्बन वो बॉन्ड बना लेती है क्लोरीन के साथ, तो मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया तो ये क्लोरो प्रोपेन बन गया। अब आया समझ में क्या होता है, इज इट क्लियर? तो ना ऐसे मतलब डरना नहीं है कि यार इसके सामने तो क्लोरो है तो ये शायद अनसैचुरेटेड हो गया होगा। पीछे देखो एन लिखा है, एन स्टैंड्स फॉर एल्केन, सो दिस इज योर व्हाट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट? चलिए आगे चलते हैं हम। अब बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि आइसोमर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। नाम पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज समथिंग जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किसी चीज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो एक बारी मैं पढ़ती हूँ इस डेफिनेशन को, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अभी कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा कुछ भी, मैं आपको टाइम दूंगी चीजें नोट डाउन करने का, ठीक है? चलिए, हाँ जी, जो क्लोरो है वो फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है। यस, वेरी गुड साकिब। चलिए तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोज हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड एंड बॉन्डेड टूगेदर इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। अब ये डेफिनेशन एक बारी में पढ़ने में समझ में नहीं आ रही है, एक बारी में पढ़ने में ना थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वंस, फिर मुझे बताना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ट्विंकल ट्विंकल हुआ कि नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, हाँ पता है हमें ये। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, हाँ हमें ये भी पता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, पर क्या इन फॉर्मूलाज को देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? क्या मैं सुक्रोज के फॉर्मूला को देखकर बता सकती हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस प्रकार जुड़े हुए हैं? क्या ये उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जिस तरीके से ग्लूकोज में है, या किसी डिफरेंट तरीके से जुड़े हुए हैं? अच्छा, बेंजीन में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है, अब क्या ये कार्बन एंड हाइड्रोजन उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जिस तरीके से ग्लूकोज में जुड़े हुए हैं? मतलब थिंग्स आर समवेयर नॉट एडिंग अप, थिंग्स आर समवेयर नॉट मेकिंग सेंस अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला को देखूं। जो ये फॉर्मूला है जो C6H12O6 लिखा है, ये सारी चीजें हैं, ये मुझे केवल ये बता रही है कि भाई ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। सिमिलर चीजेस के लिए कि भाई 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है, पर भाई मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मीथेन का फॉर्मूला लिखती हूँ, मीथेन इज CH4, अब मुझे कैसे पता कि ये कैसे जुड़े हुए हैं? क्या पता ये ऐसे 4 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हो और फिर इनके साथ कार्बन जुड़ा हुआ हो, मुझे क्या पता किस तरीके से अटैच्ड है। सो मुझे किस तरीके से पता चला कि भाई CH4 में ना हाइड्रोजन सारे के सारे कार्बन के साथ जुड़े हुए रहते हैं? मुझे पता चला जब मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा। आगे बात समझ में? तो सिर्फ फॉर्मूला देखकर मैं स्ट्रक्चर नहीं बता सकती हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक अलग चीज होती है। अब वापस से हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोज हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड एंड बॉन्डेड टूगेदर इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे बताएगा कि भाई इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपाउंड के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है ना?
इतना सबको समझ में आ गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जस्ट हेल्प्स अस टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ऑफ द केमिकल कंपाउंड। क्लियर है? जल्दी से फटाफट से थम्स अप लिखो, फटाफट से सारे के सारे बच्चे थम्स अप डालेंगे, स्माइली माइली ऐसे ऐसे, ये क्या कहो, बीटीएस के लिए कहते हैं ना, बीटीएस वाले ये डालेंगे। जल्दी से बताइए मुझे। हाँ जी मैम क्लियर है आप लोगों को? भैया हमारा भी तो प्रोत्साहन बढ़ाना है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। क्लियर है ना सबको? मैम सॉरी, मैंने आइसोबार्स के डेफिनेशन, मैं कह रही हूं तुम लोग ना आइसोमर, एलोट्रॉप और आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, इन चार चीजों को कंफ्यूज करोगे ही करोगे कि आइसोमर्स और आइसोबार्स और आइसोटोप्स ये तो सेम ही होते होंगे। अच्छा एलोट्रॉप भी इन जैसा ही साउंड करता है तो एलोट्रॉप भी होगा, आइसोमर्स अलग है बेटा, आइसोटोप आइसोबार्स कॉन्सेप्ट ही टोटली डिफरेंट है। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया साकिब, क्या तो मौज वाली बात है, पानी पी रहा था मैं। हाँ है, चलो पानी पी रहे थे तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, वापस से समझा देती हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जो सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उनका स्ट्रक्चर किस हिसाब का है, दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हेल्प्स अस टू नो। ठीक है, चल अब एक बार आगे चलते हैं हम। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच ना हमेशा एक बैटल सी रहती है कि यार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है डिफरेंट है क्या है। ठीक है, अब जैसे सपोज मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एसिड है, एसिटिक एसिड, विच इज वेरी गुड, क्योंकि अगर ये ना होती तो मेरी चौमिन में स्वाद ना रहे। हमारा जो विनेगर होता है बेटा, जो चौमिन में पड़ता है, उस चौमिन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, चाउमीन कहते हैं, क्या कहते हैं। व्हेनेवर आई गो टू एनी रेस्टोरेंट ना, तो मैं ऑर्डर ही नहीं करती हूँ, मैं उनको नूडल्स कहती हूँ कि भैया नूडल्स ले आइए, क्योंकि मैं चाउमीन कह दूंगी तो लोग जज करेंगे, चाउमीन कह दूंगी तो लोग जज करेंगे, क्या ही कहते हैं उनको पता ही नहीं, चाउमीन चाउमीन जो भी है। सो जो अपनी चाउमीन होती है तुम्हारे सामने, तो देसी बन सकते हैं हम। सो एसिटिक एसिड का बेटा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे नॉर्मल एसिटिक एसिड इज CH3 COOH। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि भाई कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो C2, कितने हाइड्रोजन है, चार है और दो ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बस क्या बता रहा है कि स्वाति दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे ये बता रहा है कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक तो देख स्वाति डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और फिर उस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द फॉर्म, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यस 5 to 8 एसिटिक एसिड होता है। थैंक यू सो मच। ओह साकिब ने गुलाब भेज दिया कि मैम मैं पानी पी रहा था, आपने मेरी रिस्पेक्ट रखी और आपने मेरे को क्लियर कर दिया डाउट, तो आपके लिए गुलाब। थैंक यू साकिब। ठीक है, हेलो अजय। अब नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH है ना, C2H5OH को इन्होंने C2H6O के फॉर्म में लिख दिया कि भाई दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और उन्होंने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये सीधा साधा सा फर्क होता है। चलिए अब मैं ना हर बार यही एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मैं वापस, मतलब हर साल बच्चों को इसी एग्जाम्पल से फटाक से समझ में आ जाता है, तो तुम लोगों को भी इसी चीज का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। सामने आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमीर सी पिक्चर आ रही है आप लोगों के सामने। ठीक है, हाँ जी प्रोपाइल अल्कोहल भी होता है, सारे तरीके के अल्कोहल होते हैं। सो वी कैन सी हमारे सामने इतने सारे ये अपने एक्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड है, ये है हमारे अभिषेक बच्चन जी, ये है ऐश्वर्या राय, आराध्या, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये नव्या नवेली, ये नव्या नवेली की मम्मी, नव्या नवेली का भाई, ये होंगी इनकी कोई रिलेटिव। तो हमें क्या दिख रहा है, बच्चन फैमिली है ना। तो मैं तुमसे पूछूं कि बेटा बच्चन फैमिली में कौन कौन है, तो आप बताओगे मैम देख, देखो सबसे पहले तो मैम ऐश्वर्या राय है। ऐश्वर्या राय क्यों आया तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि मैम आप बिल्कुल उन जैसी ही दिखती हो। ठीक है, तो मैम सबसे पहले तो ऐश्वर्या राय है, देन फिर अपने अभिषेक बच्चन है, देन अमिताभ बच्चन जी है, देन जया बच्चन जी है, ये सारे लोग हैं।
तुमने तो मुझे ये बताया ना कि इस फैमिली में कितने मेंबर है या इस फैमिली में कौन कौन है। अब अगर मैं तुमसे यूं पूछूं कि भाई जया बच्चन और अभिषेक बच्चन एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है या उन दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। तो सिर्फ ये जानना कि इस पर्टिकुलर फैमिली में कौन कौन सा मेंबर है वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माना जाएगा, पर हर एक मेंबर एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है वो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा देखो, जो जया बच्च सॉरी अभिषेक बच्चन, आराध्या और ऐश्वर्या, ये आपस में अपना एक अलग रिलेशन है, ठीक है, माँ बेटे मतलब हस्बैंड वाइफ और बेटी, ये चारों अपने आप में एक अलग रिलेशन है। तो पूरी की पूरी फैमिली से हटके और भी तो अलग रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आया थोड़ा बहुत समझ में? थोड़ा बहुत क्लिक किया कि क्या फर्क हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है? जल्दी से बताइएगा प्लीज। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लेट मी नो कि हाँ जी मैम, आप जो समझा रहे हो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। जल्दी से बताइएगा। देखो पूरी क्लास अटेंड करनी है, पूरी क्लास अटेंड नहीं करोगे तो नहीं आएगा कुछ भी समझ में। इंशा इंशा बहुत जल्दी आ गई बेटा, कहाँ खो गई थी, है कहाँ खो गई थी तू? चलो वेरी गुड, हाँ जी इंशा को भी समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आइसोमर्स के बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा सबसे जरूरी मुद्दा कि आइसोमर्स होते क्या है, आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है ठीक, चलिए पढ़ते हैं हम। परी पेन ले लेते हैं। अरे आजा भाई पेन। ओहो मेरा लैपटॉप रुस गया कि खुद को ऐश्वर्या राय बता रही हो, तो मैं नहीं चलूंगा अब। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर एटम्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट और बॉन्ड्स। यानी कि मैं कह सकती हूं कि आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। कैन आई से दैट? यस, वेरी गुड साकिब, वेरी गुड। ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं है इंशा। तो समझ में आ गया कि यार आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट उनके एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट है, मतलब उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं। अब जैसे मेरे पास है इधर ब्यूटेन, तुम सारे के सारे इसको देखो, ब्यूटेन को देखो जल्दी से। मैं तुम लोगों के लिए एक एनिमेशन लेके आई हूँ, वो एनिमेशन लगाती हूँ जिससे आपको चीजें और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। जल्दी से देखिए आप इसको, तो तुम्हें उसमें दिख गया ना कि यार जो ब्यूटेन है उसमें चारों के चारों कार्बन एक साथ लगे हुए हैं। देन टू मिथाइल प्रोपेन में क्या है, चीजों की प्लेसमेंट थोड़ी हमारी डिफरेंट है, चीजें थोड़े अलग तरीके से मौजूद हैं आपकी। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम सभी लोगों को? मैं थोड़ा और अच्छे से लिखती हूँ। देखो ब्यूटेन का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H10 है ना, चार कार्बन है ना, 1 2 3 4, चार कार्बन है, 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा टू मिथाइल प्रोपेन में क्या है, टू मिथाइल प्रोपेन में भी मैम चार ही कार्बन है, गिन लो बेशक, और 10 ही हाइड्रोजन है, गिन लो बेशक, बट इन दोनों के स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो मैं कह सकती हूं कि ब्यूटेन एंड टू मिथाइल प्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ इच अदर। आया समझ में? आर आइसोमर्स। आइसोटोप्स बताऊं क्या होते हैं, कहीं अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि अरे आइसोमर और आइसोटोप सेम तो होते हैं, आइसो आइसो बेटा, एक स्वाति राठी एक स्वाति ओबरॉय, फर्क है ना, जस्ट बिकॉज दोनों का नाम स्वाति है सेम थोड़ी ना हो जाएंगे, एवरीबडी कैन नॉट बी स्वाति राठी ना, है ना? आया, चलिए सब बताइए क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो हम आगे चलते हैं, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा डरा देती हूँ आइसोमरिज्म के बारे में, और इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम लोगों को। एक प्रीडिफाइंड क्वेश्चन आता है, वही बना बनाया क्वेश्चन आता है हर बारी, हम बस उसी क्वेश्चन के आसपास घूमेंगे। 10th में ना तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं, बहुत सारे तुम में से बच्चे होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि यार
टेंथ है यार, कैसे होएगी, समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, ये वो। मैं भी टेंथ में थी, मुझे भी डर लगता था, बट फिर मैं इलेवेंथ में गई, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि टेंथ में तो मुझे स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए था। मेरी जीवन की जितनी भी खुशी थी वो तो सिर्फ टेंथ तक ही थी, वो तो सिर्फ 10वीं तक ही थी। सो आई शुड हैव बीन मोर हैप्पियर इन माई लाइफ वेन आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू डू सो। ठीक है, अभी इतना लोड मत लो। तुम यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है तुम्हें पढ़ना नहीं है इसमें से कुछ भी, बस ये ऐसे ही मैं तुम्हें डराने के लिए लेके आई हूँ, जस्ट टू टेल यू कि भाई कितना पढ़ना पड़ेगा, तो अभी चिल रहो। और ज्यादा ये मोटिवेटिंग वीडियोस वगैरह मत देखो, तुम उसी में टाइम खपवाते रहते हो, तुम उसी में ये सारी चीजें करते रहते हो। तुम बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रूथ लगेगा शायद बहुत से लोग और बहुत से बच्चे मेरे साथ अग्री ना करे, पर टेंथ इतनी मुश्किल नहीं है बेटा कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़े। ठीक है, टेंथ इज जस्ट लाइक अ सेलिंग शिप, निकल जाएगी धीरे 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 धीरे, बस करते रहो काम, निकल जाएगा। अभी तुम्हारे पास ना तूफान नहीं आएंगे, टेंथ तक किसी भी तूफान से तुम्हारा सामना नहीं होगा, अंटिल एंड अनलेस आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो कि किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैं उन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन फैक्टर्स को इंक्लूड कर रही हूँ जो है पढ़ाई के फैक्टर्स। तो तुम्हें लग रहा है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो नहीं है, टेक इट फ्रॉम मी, दुनिया बहुत ज्यादा बेटा यूट्यूब व्यूज और पैसा छापना चाह रही है तुम्हारी इस मोटिवेशन के अराउंड एक फसाद क्रिएट करके। मत दो उनको ये सारी चीजें, बाकी तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं बस बता रही हूँ कि यार देखो यार, करना ना करना वो तुम्हारे हाथ में है, एज योर मेंटोर, एज योर टीचर, एज योर एजुकेटर, मेरा बस मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लेट यू पीपल नो कि नहीं है इतना मुश्किल, चिल रहो, कुछ भी नहीं है, और फालतू के व्यूज मत दो लोगों को, बस ये कह रही हूं मैं। बाकी तो अगेन अपनी मर्जी है, करो जो करना है। ठीक है, हाय आरती, चलिए। तो जो बेटा आपका आइसोमेरिज्म होता है उसको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, विच इज स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटा, टॉटो। आई ऑलवेज लव दिस नेम। जब नया नया मेरा वो आया था ना, मतलब आई हैड अ पेट, जब भी तो मेरे को यूं था उसका नाम मैं टॉटो रखूंगी, बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरे घर वालों ने रखने दिया उसका नाम टुक टुक रखवा दिया उन्होंने, एज इफ वो रिक्शा है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म एंड देन रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद फिर आता है स्टीरियो। स्टीरियो में आते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, कुछ नहीं पढ़ना इसमें से तुम्हें। चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम, बस 10वीं तक उतना ही पढ़ते हैं हम। वेरी गुड आरती, हाँ, सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स। सो यस, हम लोग पढ़ेंगे चेन एंड थोड़ा थोड़ा पोजिशनल आइसोमर्स भी उसमें ही आ जाएगा। मैम मैं अब तक 10 वीडियो से ज्यादा देख चुका हूँ जिसमें बेस्ट टाइम टेबल। एग्जैक्टली सुजय, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल। तुम्हें क्या लगता है, मैं इस वो होता है ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, अभी ना गंगा बह रही है, वो एग्जाम टाइम आ गया ना, सब सब इसी गंगा में डूबेंगे। हम भी गोता मार सकते थे, हम भी चीजें कर सकते थे, हमने नहीं करा। यू हैव टू चूज योर गंगा, ठीक है, यू हैव टू चूज कि किस चीज में तुम्हें गोते मारने। अभी देखना फटाफट से पेपर आती, दिसंबर जाती, वन शॉट्स की गंगा जाएगी। जो मैथ्स नहीं भी पढ़ाते वो मैथ्स के वन शॉट्स बनाएंगे, जो इंग्लिश नहीं भी पढ़ाते, जिनका चैनल ही नहीं है इंग्लिश का, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्योंकि तो बहती गंगा में सबको हाथ धोना है। तो ये बेस्ट टाइम टेबल अभी ट्रेंडिंग पे है, तो ये कूदेंगे ट्रेंड में। उसके बाद फिर जब पेपर किसी के बेकार जाएंगे तो पेपर की मोटिवेशन कैसे होगी, कंपार्टमेंट कैसे देना है, उसकी गंगा में कूदेंगे। यू हैव टू चूज योर गंगा, ठीक है, यस, एवरीबडी डज दैट यार, एवरीबडी डज दैट। सोशल मीडिया यही तो है यार पूरा का पूरा, इट इज जस्ट ऑल दैट। तभी मैं बहुत ही कम रहती हूँ, बहुत ही ज्यादा कम, तभी बस तुम लोगों से बात कर लूँ मैं और तुम लोगों को पढ़ा लूँ मैं, उसी में खुश हूँ। तुमने कभी मेरे को देखा रील्स बनाते हो, मुझसे होता ही नहीं है यार, बिल्कुल ही नहीं होता है। ऑल्दो इट इज गुड फॉर मी, ठीक है, आई विल बी मोर पॉपुलर, मोर किड्स वुड गेट टू नो अबाउट मी, मैं और ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, पर मुझे कभी अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलती ये सारी चीजें करने की, बिकॉज आई जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दैट, बट आई थिंक आई हैव टू डू दैट। किसी तो बहती गंगा में डूबना ही पड़ेगा ना बेटा। चलिए, सो यस, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटो, रिंग चेन, इसमें से हम चेन और पोजिशनल पढ़ेंगे। फंक्शनल, मेटा, ये सारी चीजें अभी अपने को नहीं पढ़ना है, इसको हम 11वीं क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए। सो अब फटाफट से वी विल टॉक अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। आई होप आप लोगों को डायग्राम्स दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाऊंगी। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमर्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन्स। अभी ना मैं एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी आपको साइड बाय साइड में, तो
तो पहले एक बार यहां से समझाती हूँ, देन वी विल वॉच दैट एनिमेशन, ठीक है? चलिए, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? कलर्ड पेन चाहिए होगा, येलो दिखेगा नहीं इस पे, एक मिनट रुक जाओ। इसमें अब आपको क्या दिख रहा है बेटा कि देखिए ये कार्बन सारे के सारे एक स्ट्रेट चेन में है ना, सारे के सारे एक स्ट्रेट चेन में है, ऊपर नीचे कहीं से कुछ भी नहीं निकल रहा है। अब यहां पर क्या है, देख इधर पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में थे, यहां पर क्या है चार कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक ने अपनी अलग से ब्रांच निकाल ली, तो चार स्ट्रेट है, एक अलग से नीचे की तरफ आ गया। अब ये जो मेरे पीछे वाला है ये तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाती हूँ, बस तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, ठीक है? दिल की आंखों से देखना, मुझे दिख जाऊंगी तुम्हें मैं। अब इसमें क्या है, सिर्फ तीन ने स्ट्रेट चेन बना रखी है, दो ने ब्रांचिंग शो कर दी है। तो तुम ना इसको एक पेड़ की तरह इमेजिन करो बेटा, एक पेड़ की तरह इमेजिन करो, जैसे एक पेड़ होता है अपना जो बिल्कुल ऐसे सीधा 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 जा रहा है, जिसने बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं शो कर रखी है। ये किस तरीके का पेड़ है बेटा आपका, जिसने एक ब्रांच निकाल दी और फिर ये सीधा 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 जा रहा है। इस वाले पेड़ में क्या है, यार मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, भावनाओं पर जाना, चित्र पे नहीं। इस वाले में क्या हो रहा है कि काफी सारी ब्रांचेस निकल रही है, काफी सारी ब्रांचेस निकल रही है, ये एक अलग से ब्रांच जा रही है, ठीक है? ये भी एक अलग से ब्रांच जा रही है, ये भी एक अलग से ब्रांच जा रही है। सो जस्ट इमेजिन इट एज अ ट्री, एक पेड़ जो बिल्कुल आपका सीधा पेड़ है, एक पेड़ है जिसमें आपकी ऐसे ब्रांच निकली हुई है, एक एक पेड़ ऐसा जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकली हुई है। अब एक सेकंड, मेरे को छींक आ रही है तो एक मिनट रुक जाओ, मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, गॉड ब्लेस मी। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एनिमेशन एक बार, ये मैं जल्दी से वो एनिमेशन लगा लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, चश्मा गंदा हो गया, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन से। एक सेकेंड, उसमें ना आपको सारी की सारी चीजें ऐसे मूव करती हुई दिखेगी, यू यू वुड हैव नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई चल क्या रहा है। लगा दू, इज एवरी वन रेडी? या मेरे को लगता है कुछ बच्चे ना ऑफेंड होकर चले गए क्लास से कि यार हम तो इतना मेहनत लगा के अपना जी भी फूक के समझते हैं, मैम कह रही है कि सेंसलेस है ये मोटिवेशन, मोटिवेशन है भाई, है कर करके छोड़ रखे है, मतलब खुद मोटिवेशन लेके छोड़ रखे हैं, इतनी याद आती है तेरे को? चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को, ये देखो एक बार ही ना मैं पॉज करती हूँ, अब देखो सारे के सारे ना कर्सर के ऊपर ध्यान देना, कर्सर के ऊपर ध्यान देना, देखो एक सेकंड, मेरे को भी ध्यान देने के लिए आंखें साफ करनी पड़ेगी। अब इधर क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पांच कार्बन दिख रहे हैं सबको, इज एवरीबडी एबल टू सी पांच कार्बन, सबको दिख रहे हैं? अच्छा चलो इसको भी चलाते हैं, इसमें भी पांच कार्बन ही दिखेंगे, तो मैं देखना इसको थोड़ा मैं घुमा रही हूँ, इसमें भी पांच कार्बन दिखेंगे। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, सबको पांच कार्बन दिख रहे हैं। अब यहां पर भी पांच कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, पर इनके स्ट्रक्चर्स देखो ना कितने डिफरेंट है। मैं हर एक स्ट्रक्चर चला रही हूँ, हर एक स्ट्रक्चर को देखो कितने ज्यादा डिफरेंट है, कहीं से एक ब्रांच निकल रही है, कहीं से दो दो ब्रांचेस निकल रही है, ये नीचे वाला एब्सोल्युटली स्ट्रेट है। आर यू पीपल हैविंग एनी प्रॉब्लम? मैं और ज्यादा इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करती हूँ, रुको लेट मी जूम इट एक बारी, लेट मी जूम इट मोर। इज इट बेटर बेटा, इज इट बेटर? मैं वापस से अब तुम्हें पॉज करके दिखाती हूँ कि देखो इसमें कहां से ब्रांच निकल रही है, ये देखो अब ये एक दो, ये पहले वाले को देखो, टू मिथाइल ब्यूटेन को देखो, सारे के सारे एक दो तीन चार, ठीक है? इन्होंने अपनी एक ब्रांच बना रखी है। अब इस कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन अपना अलग पार्टी बना रहा है, तो इसने एक अलग ब्रांच निकाल ली अपनी, तो तीनों का ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर एक ने अपना अलग स्ट्रक्चर निकाला, एक ने बोला मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो अपना अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन में और अलग हो गया, देखो कि ये तीन अपने आपस में है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन्होंने अपना अलग बना लिया। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ आपको अगर नहीं दिख रहा हो, इन्होंने अपना अलग बना लिया, अलग मर्जी है इनकी। और नीचे वाला कह रहा कि यार मैं सबसे सीधा साधा हूं, मैं सबसे सिंपल हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस, मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ, आ जाए पर अपना भाई सीधा बस आगे, और ये बस
देखो, एक दो तीन चार पांच, हमने सीधे सीधे बना रखी, एक सीधी सीधी सी लाइन है, ना कोई ऊपर निकल रहा है ना कोई नीचे निकल रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग स्ट्रेट। तो अब तुम्हें समझ में आया कि आइसोमर्स में हो क्या रहा है? जो चीजें सीधी है उसमें से एक उठ के बीच में आ रहा है, फिर आखिरी से उठ के बीच में आ रहा है, चीजों की बस पोजिशनिंग चेंज हो रही है। एंड आज की क्लास के बाद आप लोग नहीं बना पाओगे अभी आइसोमर्स, बिकॉज वी नीड टू प्रैक्टिस अलॉट अगर अपने को आइसोमर्स बनाने सीखने पड़ेंगे। एक बारी में आइसोमर्स नहीं आएंगे समझ में, बट एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया बन गया, दिमाग में एक माइंड मैप बन गया कि अच्छा यार आइसोमर्स ना कुछ इस तरीके की चीज होती है, मतलब सीधी चीज भी होती है, टेढ़ा भी होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ये सारी चीजें होती है। सो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम कि मैं आपको बोल दूं कि ब्यूटेन दे दिया मैंने आपको, ब्यूटेन का आइसोमर बनाओ, हर बार यही सवाल आता है। सो इट विल टेक यू टाइम टू मेक दी आइसोमर। तो अगर आज ही जाके प्रैक्टिस करो ना, एक ही बारी में आइसोमर्स ना बने तो डरना नहीं है, ठीक है? ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, अब आप लोगों से ना एक सवाल भी पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स की क्या क्या कंडीशंस हैं, या एल्केन्स किन कंडीशंस के अंदर हमें आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, व्हाट आर दी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू विच आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन एल्केन्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार बना लो इस टॉपिक को और नोट डाउन कर लो कि भाई कम से कम तीन कार्बन से ज्यादा होना चाहिए तभी आइसोमेरिज्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने तीन कार्बन का एक एल्केन बनाया, इसमें मैं किस तरीके से आइसोमेरिज्म दिखाऊं, अलग अलग कलर के बनाती हूँ। चलो तुम लोगों के लिए ना चीजें और क्लियर करने के लिए मैं अलग अलग बनाती हूँ। आप लोगों को किसी भी हिसाब की डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है ना बेटा, क्योंकि बाहर से थोड़ी मतलब ऐसा कहीं बाहर की आवाज वगैरह ना आ रही हो, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, मुझे बता देना अगर डिस्टर्बेंस हो रही हो तो। तुम्हारे लिए ट्रैफिक रुकवा दूंगी मैं एकदम ही, मतलब सड़कें खाली करवा देनी है मैंने कि मेरे बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। चलो ये तीन रंग में ना मैंने ये बनाया, समझा रही हूं मैं कि क्यों है ये ऐसा, रटना है तो रट लो, वो तुम्हारी अलग मर्जी है, ठीक है? अब ये पीला सफेद हरा, ये तीनों ऐसे। अच्छा तो मैं क्या करती हूँ, इस पीले वाले को उठा के इस सफेद वाले के ऊपर रखूं, एक बारी ट्राई करूं मैं, ठीक है? तुम लोग कह रहे हो तो मैं ट्राई कर रही हूं। तो क्या था, पहले सफेद वाला है, सफेद वाले के बाद हरा वाला है, और मैं क्या कह रही हूँ, सफेद वाले के ऊपर मैं पीले वाले को रख रही हूं, यानी कि मैंने उधर अपनी पीलू को रख दिया। स्ट्रक्चर तो सेम ही रहा, पहले क्या था, ये ऐसे सीधे सीधे थे, अब भी ये तो ऐसे ही बना रहे हैं। पहले भी जो पीले वाला कार्बन था वो डायरेक्टली सफेद वाले कार्बन के साथ था, अब भी तो पीले वाला कार्बन डायरेक्टली सफेद वाले कार्बन के साथ है। तीन कार्बन से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। अब मैं आपको समझाती हूं कि तीन कार्बन से ज्यादा कार्बन होंगे तो कैसा दिखेगा। चलिए वापस से बनाते हैं पीला, उसके बाद फिर हम बनाते हैं सफेद, एक मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद हम बनाते हैं सफेद। बेटा देखो इन चीजों में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, तो क्लासेस छोड़ के चले जाओगे तो अगेन, मैंने तो बोर्ड में बैठना नहीं बेटा, वही मेरे पेरेंट्स वाली बात है, हमारी तो उम्र निकट ली, तन्ने जो करनो है कर, ठीक है? सो इट्स लाइक मेरे को तो बोर्ड देना नहीं है, मैंने दे दिया 9 साल पहले, तुम्हें देना है बोर्ड। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं इस पीले वाले को वापस से उठा के व्हाइट वाले पे रख दूंगी तो कोई नया आइसोमर नहीं बनेगा, मैं इसको उठा के रखूंगी अब हरे वाले पे। पहले येलो एंड व्हाइट के बीच में बॉन्ड था, अब येलो एंड ग्रीन के बीच में बॉन्ड होगा तो वो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, आया समझ में आपको? तो मैं वापस से बनाती हूँ स्ट्रक्चर्स, और इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगी, अभी जस्ट आया है मेरे दिमाग में। व्हाइट वाला लेती हूँ मैं, पहले व्हाइट वाला ले लिया मैंने, फिर ग्रीन वाला लिया मैंने। अगर कुछ विजिबल ना हो ना कोई कलर तो मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूंगी कलर को। एंड देन ब्लू वाला ले लिया मैंने। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ग्रीन वाले के ऊपर उठा के पीले वाले को रख दूंगा, अपनी पीलू को उठा के मैं रख दूंगी इसके ऊपर। अब बनाना कोई नया स्ट्रक्चर, अब बनाना कुछ डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड्स बने हैं,
देर वॉज बॉन्ड बिटवीन दीज टू, नाउ देर इज अ बॉन्ड बिटवीन ग्रीन एंड येलो वन. सो आई होप आई एम एबल टू ड्रॉ द पिक्चर फॉर ऑल ऑफ यू कि क्यों हमें तीन कार्बन से ज्यादा कार्बन चाहिए होते हैं एल्केन्स में अगर आइसोमेरिज्म चाहिए तो. और एल्केन्स आपका चेन आइसोमेरिज्म ही शो करेंगे. चेन आइसोमेरिज्म क्या है, देखो पहले चेन कौन सी थी, ये वाली, अब चेन चेंज हो गई ये वाली, तो चेन चेंज हो रही है, दिस इज योर चेन आइसोमेरिज्म. इसमें क्या था, इसमें ये वाली चेन थी, इसमें भी सेम यही वाली चेन रही, ऊपर नीचे रख दिया तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, डिफरेंट बॉन्ड्स भी बनने आपके चाहिए. ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है सभी को. आइसोमेरिज्म आज की क्लास के बाद किसी भी बच्चे को सताएगा कि नहीं सताएगा? ऑफ कोर्स सताएगा. किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप स्वाति मैम? एक क्लास में आइसोमेरिज्म में फतेह पाना थोड़ा सा मुश्किल है अगर हम पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं. अगर हम लोग इसका रिविजन कर रहे होते तो आप लोग खुद मुझे जवाब देते. ठीक है, सो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स अगर आप सभी लोगों को क्लियर है तो हम आगे चलते हैं. शैल वी मूव अहेड? सारे के सारे बच्चों को समझ में आया? चलिए, बस सुजय थम्स अप दे रहा है, सुजय के पास ही बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं, बाकियों के पास तो है ही नहीं है. जल्दी से चलिए आगे मूव करते हैं. अब ये आप लोगों से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था 2015 में, और यही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है. बट अगेन, सिंस वी आर गेटिंग स्मार्टर, सीबीएसई इज ऑल्सो गेटिंग स्मार्टर. लाइफ इज ऑल अबाउट पैटर्न्स बेटा, लाइफ इज नथिंग बट जस्ट पैटर्न्स. नेचर अपना पैटर्न रिपीट करती है, सीबीएसई अपना पैटर्न रिपीट करती है, एनटीए जो आपके जेई नीट के पेपर सेट करने वाले हैं वो अपना पैटर्न रिपीट करते हैं. क्योंकि मतलब इट्स लाइक नेचर का रूल है कि चीजें रिपीट होंगी. व्हाई डू यू थिंक वी स्टडी हिस्ट्री? क्या जरूरत है मुझे जानने का कि हिटलर ने क्या किया था क्या नहीं किया था? क्या जरूरत है मुझे जानने की कि गांधी जी ने कितनी ज्यादा मेहनत से हमें फ्रीडम दिलाई थी? जानना जरूरी है बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ. हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी. वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, क्या हमें लगा था वर्ल्ड वॉर टू होगा? हुआ. अब वर्ल्ड वॉर थ्री भी होगा. सो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ बिकॉज नेचर में पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं. सिमिलर थिंग गोज विद योर एग्जाम्स, पैटर्न रिपीट होते हैं बट थोड़ी सी चीजें बस डिफरेंट हो जाती है. जहां एक मौका पहले वॉर किसी दूसरी कंट्री ने शुरू करी थी, वर्ल्ड वॉर थ्री शायद कोई दूसरी कंट्री शुरू करते. ये सारी चीजें होती है. तो अब आपसे पूछा गया व्हाट इज आइसोमर्स, डेफिनेशन हम बता देंगे. C4H10 यानी कि ब्यूटेन के अपने को आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं. हाँ जी मैम, हम वो भी बता देंगे. एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज, वो भी हम बता देंगे कि भाई चेन आइसोमेरिज्म शो करता है एल्केन, और थ्री कार्बन में आप चेन आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकते हो. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब पोजिशन आइसोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं. पोजिशन आइसोमेरिज्म मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे. मैं तुम्हें दिखा क्यों रही हूं कि पोजिशन आइसोमेरिज्म नामक एक चीज होती है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार मैडम क्या ही करवा रही है अपने को, कुछ हो तो रहा नहीं है. सो चेन आइसोमेरिज्म हमने कर लिया है, पोजिशन आइसोमेरिज्म हम बाद में करेंगे. पर मैं बस एक बारी आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ, क्या पता आपको शायद आज की क्लास में समझ में आ जाए, नेक्स्ट क्लास अटेंड ही ना करनी पड़े. ठीक है, ऐसा मत करना, आ जाना. अब यहां पर क्या है, देखो मैं ना कार्बन की पहले नंबरिंग करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, पहले केस में क्या है, क्लोरीन जो है वो एक नंबर के कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक नंबर के कार्बन के साथ अटैच्ड है. अब इस वाले में वापस से 1, 2, 3, 4, 5. अब इस वाले में क्लोरीन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो चार नंबर के कार्बन के साथ अटैच्ड है. तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस वो फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. जैसे आप स्कूल में जाओ, आपका जो दोस्त है वो सबसे पहले वाले बेंच पे बैठा, आप उसको बोले कि अबे फर्स्ट बेंचर नहीं है तू, बैक बेंचर है, पीछे आ. तो तुम्हारे दोस्त ने क्या करा कि बस अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो फर्स्ट बेंच पे था वो लास्ट बेंच पे आ गया. सो देयर इज जस्ट चेंज इन पोजिशन, द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंजिंग, ओनली द पोजिशन इज चेंजिंग. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हेक्सेन से एक क्वेश्चन है. क्या कह रहा है सुजय, थोड़ा क्लियरली बोलो. आया पोजिशन आइसोमेरिज्म समझ में? क्लियर छे, क्लियर है. चलो तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर मेरे को. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो आइसोमेरिज्म?
अभी इसमें से तुम सिर्फ एक ही चीज का जवाब दे पाओगे, एक ही ऑप्शन का जवाब दे पाओगे मुझे दो चीज का जवाब, कि इसमें से कौन सा आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। ए बी सी डी ई एफ नहीं है। हाय आकाश जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो आइसोमेरिज्म। हमने अभी पढ़ा था मैम कि तीन कार्बन का एल्केन आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, सो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? यस, वेरी गुड अजय। ऑप्शन ए C3H8। वाई इज इट दी करेक्ट आंसर? बिकॉज C3H8 है आपका एल्केन, और तीन कार्बन का एल्केन कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है, कम से कम चार कार्बन होना चाहिए। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, इट वोंट बी एबल टू शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? आज की क्लास के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने का? चलो तो क्लास फिर यहीं पर ही मैं खत्म कर देती हूँ। ठीक है, आकाश पूछ रहे कितना, क्यों क्यों भाई घर भिजवाएगा है? भाई आकाश मैंने बता दी मैं कितना खाती हूँ तो घर भिजवा देगा मेरे। चलिए, वो नहीं होते वो राशन वाले जो होते हैं, वो पूछते हैं कि जी कितना किलो चाहिए आपको आटा, आकाश अपना वही पूछ रहा है। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। अगर नहीं करा है, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें वन शॉट्स एंड ऑल एवरी थिंग इज अबाउट टू बी प्रेजेंटेड ऑन दिस चैनल। सो मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, सी यू ऑल ऑफ यू सून। चलिए बाय बाय। आकाश टॉप करना पड़ता है स्वाति मैम के घर खाना खाने आने के लिए। ठीक है, टॉप करो, बढ़िया नंबर लेके आओ, 100/100 लेके आओ साइंस में। मैं बुलाऊंगी पर्सनली डिनर पे आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।